हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हो? बढ़िया, आई होप सब बढ़िया ही होंगे। लाइट सी लग रही है थोड़ी आंखों में, अभी उठे थे, गुड मॉर्निंग हो गई थी, फिर कपड़े डाले मैंने सबसे पहले। तो बारिश का मौसम है, अभी थोड़ी सी धूप टाइप में है, धूप भी नहीं है पर ऐसे लग रहा है थोड़ा साफ सा मौसम, थोड़ी देर बाद बारिश बताई है। तो तब तो मैंने कपड़े डाल दिए बाहर और छत पर पानी भर गया था, पानी आया हुआ है तो ये भी निकल गया बाहर। और मैं आई थी छत पे, मैंने बोला चलो आज बड़े ही दिन बाद आई हूँ मैं छत पे, इतने भी कोई 15 दिन बाद आई होंगी तो कितना ग्रीन ग्रीन हो गया ऊपर, मैं देख बिल्कुल ग्रीन हो गया। अब नहीं जा सकती मैं ऊपर, झाड़ियाँ बढ़ती जा रही, वैसे है इतनी भी नहीं अभी पर हो गया ग्रीन, बस ये बरसात जाते जाते बड़ी बड़ी हो जाएंगी ये सारा ग्रीनरी। और कैसा लग रहा है ये देखो नज़ारा, यहाँ से बताते हैं, पानी भी भर गया होगा नीचे, यहाँ से नहीं दिखता वो ऊपर से दिखता है पर छुप गया है क्योंकि आगे घर हैं बड़े बड़े, देखो ग्रीन 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 हो गया सारा ही। नीचे गुगु नक्चू के पास बैठी है, नक्चू उठा था फिर सो गया वो, उसकी तबीयत नहीं मेरे को आज ठीक लग रही, फिर से उसका पेट खराब हो गया फिर से शायद बस। और मैं छत पे आ गई, मैंने बोला चल ऊपर जाया अपनी 2 मिनट, आज ऊपर से शुरू करते हैं छत से ब्लॉग और छत पे थोड़ा सा मैं भी घूम लेती हूँ, गुगु नीचे बिजी होगी शायद। और बस अभी खाना वगैरह बनाना है, मैंने कपड़े डाल दिए हैं बाहर और बनाते हैं ब्रेकफास्ट और फिर करते हैं काम वगैरह करके एडिटिंग। एडिटिंग के बाद बैठेंगे, मस्ती करेंगे थोड़ी सी और चलो फिर चलते हैं नीचे फिर से। देखो गिल्ला गिल्ला हो गया, रात को भी बारिश हुई है बहुत ज़्यादा। ये सारे पत्ते खा रही है कीड़े ने, ये कपड़े कपड़े डाल रहे हैं, जैसे ही थोड़ी सी हुई बारिश रुकी तो सबने अच्छा की छतें ऐसी दिख रही हैं, मैंने भी वो रैक पे डालने हैं कपड़े। और ये रही गुगू, कहाँ गई गुगू, नक्शु है तो। आजकल हम इसी रूम में सोते हैं, पिछले वाले में नहीं, यहाँ अच्छा लग रहा है क्योंकि पता लगता रहता है ना यहाँ पे। लाइट जलाऊँ, नक्शु फिर उठ के सो गया। ये रही गुगू, क्या बना रहे हो? दूध बना रहे हो? तो ये कौन सा तरीका है दूध बनाने का? निकालना था ना ये, तो मलाई वेस्ट कर दिया आपने। मलाई तो इसमें, ये क्या बनी है तू चुंडू सड़ी, ये क्या बनी है? जूड़ा लड़की कभी पीछे, जूड़े हैं। पानी भर गया ना हमारा सारा, रात मैंने कोई सारा किचन साफ किया, एक नहीं वो 2 बजे फ्री हुई ना तो 1:30 बजे मैं लगी बर्तन धोने, पानी आ रहा था तो मैंने बहुत सारे बर्तन धोए और किचन साफ करके रख दिया था। बस अभी ब्रेकफास्ट का काम होगा वो बना कर लेते हैं और साथ साथ में वो भी धो देंगे जो बर्तन होंगे, और सफाई करने को है, बाथरूम साफ करने को है, बाथरूम साफ करती हूँ। वैसे कर दिया था मैंने रात को ही, ये बस ये उठाना है सामान सारा, बाल्टियाँ वगैरह और ये पाइप वगैरह, बाकी साफ है बाथरूम भी मैंने कर दिया था रात को ही साफ। और बस सफाई का काम बचा है, चादर बिछानी है, यहाँ पे गंदी कर दी थी नक्शू ने, वो वाली चादर भी गंदी है ना, उससे उस पर शिशु कर दिया नक्शू ने, वो भी उठानी है मैंने ना, ऐसी शीट्स बिछा ली हुई हैं बेड शीट ये ऊपर ट्रांसपेरेंट, तो फिर इससे नीचे नहीं जाता शिशु वगैरह, फिर चादर उठा कर दिया शिशु तो। और अभी ब्रेकफास्ट करने लगी गुगु,
वेरी गुड हो गया आजकल, अपना काम थोड़ा थोड़ा करने सीख गई है, तो करती है और बढ़ाती थी उतना ही है मेरा काम ही है। पिंपल होने लगी, मैं क्या करूँ, मैं खुद सोच रही हूँ फेस पैक बनाऊँ साथ साथ में, मुँह धो के वो लगा लेती हूँ, जब कुछ सूख गया या खाने के बाद लगाऊँ, क्या करूँ। फिर ना कितने कितने बड़े बड़े पिंपल्स हो गए। मोटी हो जाएगी, पर सुनती बहुत है, कुछ ना कुछ कर देगी, कांड जलती बहुत है, इसको डांट भी पड़ जाती है, इसके काम ही ऐसे होते हैं कई बार। वो मैं तो सोचती हूँ कि नहीं डांटना है, पर तब भी डांट पड़ जाती है, जब काम ही ऐसा होता है तो उसको आ जाता है देख के कई बार। तो बस अभी नक्शू सो रहा है, उसको भी दवाई दूंगी थोड़ी सी जिंक वगैरह, और वो क्या बोलते हैं कौन सा पानी होता है मिक्स करने वाला, ओ आर एस का घोल बनाती हूँ, उसको वो देती हूँ। और बरसात भी है शायद, पेट पानी की भी दिक्कत हो जाती है ना, खराब पानी आता है, तो भी मैं पानी पीऊँगी, क्योंकि पहले बादाम भी आई हूँ, चलो फिर फ्रेश हो जाते हैं, नहा धो के मिलेंगे और आपसे ऐसी शक्ल से नहीं मिलेगा, पर मैं इतना थोड़ी देर में बाय। बस अभी नहा के आ गई और अभी एडिटिंग करते हैं, लैपटॉप ऑन हो रहा है और करते हैं काम एडिटिंग का। 2:30 बज गए, फ्री होते होते नक्शी पर था तो फटाफट से कर लिया, 1.5 घंटे में मैंने काम, 1.5 घंटा ही हुआ है उसको छोड़े हुए अभी, और हम फ्री हो गए अब। और बस करते हैं, चल गया मेरे हाथ के लिपस्टिक, पिंपल्स हो गया। मैंने सोचा था फेस पैक लगाऊं मैं, तो फेस पैक लगाना था, भूल ही गई, अब शाम को लगाऊंगी, है ना, सोचती हूँ सोने से पहले या काम कुम करके अर्ली स्किन हो जाएगी ना, फिर से मुँह धो के लगाऊंगी, फिर उसके बाद से नींबू वगैरह डाल के, पिंपल गर्मी के हो रहे हैं। हाँ गुगू बोलो, क्या बोलते हैं कर लेते हैं एडिटिंग थोड़ी सी, फिर कुछ खाने को बनाते हैं। गुगु ने सामान लेने जाया था, पर आज संडे है प्रोजेक्ट का, तो वो कल ही लेके आएगी, कर लूँगा मैं 1.5 घंटे 1 घंटे में हो जाएगी मेरी एडिटिंग फटाफट से, और फिर करते हैं नेक्स्ट काम। सुबह से काम ही काम ख़त्म नहीं हो रहा था, सारे काम वैसे ही पड़े थे। मैं हॉस्पिटल गई थी अभी चेकअप करवाना, मेरी फ्रेंड ने पर्ची लगवा दी थी तो चेकअप हो गया जल्दी से, तो अभी चेक करवा के आई हूँ हॉस्पिटल में। और बारिश में गई मैं, गिल्ली हूँ पूरी, देखो गीले कपड़े हो गए, हॉस्पिटल में फटाफट गई स्कूटी में, फिर दवाई ली जाके,
और डॉक्टर ने चेक करवा लिया अच्छे से। अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि ज़्यादा वाला इन्फेक्शन हो गया तो दवाई खानी पड़ेगी, और शीशे भी दिए थे पीने को, वो मिले नहीं अभी, तो नेक्स्ट कहीं देखती हुई शाम को जाके कहीं से ले आती हूँ। गूगल ने सामान बोला था, वो बोल रही है मैसेज किया था मैंने तो वो रह गया, क्योंकि मैंने मैसेज चेक ही नहीं किया। और सब्जी ले आई मैं, सब्जी लाने को थी, और बर्तन बहुत सारे हैं धोने को, वो भी धोती हूँ थोड़ा सा। और गूगल ने झाड़ू पोछा कर दिया, जब तक मेरी काम नहीं लगी हुई, नहाई भी नहीं हो, नहाई भी नहीं ना तू के बाद है। इधर से पहले ये पानी ले जाना था सूखे सुखा कूलर के नीचे, जो झाड़ू पोछा इसने कर दिया सफाई, अभी कपड़े धैन लगाने को बहुत सारे, अंदर धोने को भी है, बारिश लगी हुई है लगातार, गीला गीला हो रहा है। वो भी काम ही हो गया बेचारी, मैं रुक देखती हूँ ना, करती हूँ फ़ोन किसी को काम के लिए, है ना, एक दो महीने के लिए थोड़ा सा हेल्प करा दे, जैसे मेरे साथ आके, है ना, कुछ मैं कर लूँगी कुछ वो कर देगी तो फटाफट से हो जाया करेगा। करनी पड़ेगी बात, क्योंकि सर नहीं रहा, काम हो नहीं रहा, नक्शी टिक नहीं रहा, गिल्ला सुखा ना पोचा दो चार बार यहाँ से पानी ले जाके फिर होएगा साफ, नहीं तो चिक्कड़ फिसलना फिसने। और मैं सभी जा रही हूँ, दवाई खाती हूँ और करते हैं नेक्स्ट काम, भूख भी लग रही है ना फिर से, अभी खा के गए थे फिर तो भूख लग गई, पिंपल्स भी इसी कारण हो रहे इन्फेक्शन के कारण। चलो कुछ कर लेते हैं काम, भी मिलते हैं, और नक्षित भी परे गया हुआ, उसको भी देखती हूँ सो जाए कि जाग गए। गूगू ने सारी सफाई कर दी एकदम से, क्लीन क्लीन करके रखी है। गूगू अब बड़ी होगी मतलब, है ना, गूगू बड़ी होगी, पूरा क्लीन कर दिया, जैसे मैं करती हूँ साफ ना, बिल्कुल अच्छे वाला साफ सुथरा, ऐसा नहीं कि ऐसे उड़ता उड़ता सा मार दिया बच्चे ने, वैसा वाला नहीं। देखो चादर लग रही है कि बच्चे ने की है किसी ने, साफ चादर बिल्कुल क्लीन, ये टेबल पूरा साफ जैसे मैं करती हूँ, क्योंकि बुक्स रखी हैं उसने पढ़ने वाली, यहाँ पे चादर बिछानी बची हुई है वो मैं बिछाऊँगी, पर ये गिरा दी है बॉटल यहाँ पे पानी की, और ये मैं दवाई लाई थी, और मेरा पर्स में ये मैं भी अपना सामान उठा देती हूँ, बिखरा हुआ नहीं तो वो मेरे को गुस्सा होगी, वो कपड़े तैन लगाने को है, कुल्ट पड़ी है, ये टेडी बियर है, और किचन की हालत है हमारी गंदी पड़ी हुई, ये देखिए क्या मचाया हुआ है, ये सारा साफ करने को है, किचन बचा है ये कर लेंगे, और सब्जी मैं ले आई थी आते हुए, और इनका फ़ोन आया था, उनको बताया मैंने ऐसा ऐसा बोला डॉक्टर ने, मतलब दवाई प्रॉपर खाना, अब बाकी 10 डेज बाद बुलाया डॉक्टर ने, देखते हैं हम सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए मेरे को इन्फेक्शन में, पिंपल्स वगैरह भी तभी निकल रहे हैं मेरे मुँह पर इन्फेक्शन के कारण ही, शायद गर्मी बहुत ज़्यादा है मेरे शरीर में, तो पानी पीती हूँ सब कुछ करती हूँ, पता नहीं क्या कैसे हुआ मेरे को समझ ही नहीं आ रहा इन्फेक्शन का, बाकी लेते हैं दवाई और चादर बिछा देती हूँ जल्दी से, और इनसे बात कर लूँ, उनका फ़ोन आया था मैंने काट दिया, फिर मैंने किया ही नहीं, चलो मैं बात कर लेती हूँ थोड़ी देर उनसे भी, और नक्शु भी पर है उधर से लाती हूँ, उसको भी कुछ खिलाऊँ पिलाऊँ, भूख ही लग रही है मेरे को खुद भी, अभी खा के गई थी फिर खाली होगा पेट, तो खाते हैं कुछ, कुकू भी नहाने गई है, मैंने बोला नहा के बाहर आ, बेचारी को काम पड़ा हुआ है, क्योंकि वो भी देखती है कि मम्मा परेशान रहती है तो वो कर देती है हेल्प जितनी होती है उससे, है तो छोटी है पर कर देती है, तब भी समझती है वो मुझे कि मम्मा को परेशान हो रही है, मम्मा को ऐसी दिक्कत है, मेरे को ज़रा सा पूछ हो जाए तो बोलती है, डांटती है मेरे को, आप क्यों नहीं किया इन्फेक्शन के लिए, मेरे को इतनी देर से बोल रही थी जाओ डॉक्टर के पास जाओ जाओ जाओ, तो पीछे से ये खेल रही थी ये बाहर जब मैं गई बारिश में, तो इसने देखा भी काम पड़ा है तो पीछे से सारा कंप्लीट कर दिया जब को मैं आई एक घंटे में फटाफट, चलो मैं कर लूँ काम तो फिर खाते पीते हैं कुछ। अभी बैठे हैं रात के 11 बज गया ना हमें खाना खाते खाते, 10 बजे तो हमारा खाना कंप्लीट हुआ है, और नक्षित की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसको लूज मोशन लगे हुए हैं 3 दिन हो गया आज, तो इतनी हालत ख़राब है, अभी दवाई भी लाई थी शाम को फिर से, इतनी ठीक ही नहीं हो रहा, पता नहीं इसको मेरे अपने आप दर्द नहीं जा रही पेट से, आज दवाई अपनी भी लेके आई हूँ, और नक्षित का गुगू ठीक हो गई, गुगू को भी जुकाम हो जा रहा है बीच बीच में, गुगू ठीक हो जा रही है,
को पट्टी बार बार आ रही है तो सारी ना इसकी रेड स्किन हो गई, तो अभी डाइपर ऐसी क्रीम लगाई सारे रेड, बिल्कुल रेड कलर का हो गया, जलन पड़ रही होगी इसको बहुत ज्यादा। अभी लगाया वो, फिर डाइपर पहनाया, बस पॉटी ना करे तो शायद सुबह तक रिलैक्स मिले इसको कुछ, पानी भी टच करने दे रहा, पानी भी टच नहीं करने दे रहा। मैं धुलाने को लेके जा रही हूँ तो चीखे मार रहा है जोर जोर से और दर्द हो रही है इसको बहुत ज्यादा, और मेरे को तो सिर्फ स्नीजिंग ही है, मैं तो ठीक ही हूँ वैसे। मम्मा और नक्श बीमार है, मम्मा भी ठीक हो जाते हैं 2-3 घंटे के दर्द के बाद, है ना। आज तो ज्यादा ही दर्द, आज तो 11 बज के दर्द ही ठीक हुई, आज ज्यादा दर्द है मम्मा को भी और नक्श भी बीमार है, बस मैं एक ठीक हूँ। ये ठंड में इसको ठंड लगती है ज्यादा, मैं हम पंखे वाले हैं दोनों, हमें पंखे में अच्छा लगता है इसको, नक्शी की मस्ती है। घर दूसरे दिन बीमार हुआ रहता है, बस यही ब्लॉग चल रहे हैं बीमारी वाले आजकल, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। बाकी बोलना है मैंने एक दो बंदों को, कोई भी आ जाए काम के लिए तो देखते हैं कौन आता है, बाकी मैंने अपनी फ्रेंड को बोला है, फिर मैं उसके पास छोड़ दिया करूँगी थोड़ी देर जब वो आ जाएगी छुट्टियों से, उसको बोल दिया है, उसने बोला ठीक है मैं रख लिया करूँगी या मैं आ जाया करूँगी, तो ऐसा भी हो जाएगा। और बस अभी बैठे हैं, एडिटिंग भी कर लेती मैं अभी फ्री बैठी हूँ, पर निश्चित ना लैपटॉप पे चढ़ जाता है तो कुछ सोता है तो जाके मेरी एडिटिंग कंप्लीट होती है, तो इसीलिए वो देखो कहाँ चला गया, ये देखो 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 वो किनारे पे पहुँच जाता है एकदम से, गो गो इधर, ट्यूब का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कपड़े आधे गिले हैं आधे सूखे हैं, ये पड़े हैं, ये धोला बिछाया था, ये भी इसने नक्शू ने गीला कर दिया, ये मैंने इधर फेंक दिया, अब क्या करूं, बाहर बारिश लगी हुई है बहुत ज्यादा, और इसने पोटियां कर करके कपड़े वो गिले, तो समझ ही नहीं आ रहा, अब ठीक हो जाए जल्दी से, नहीं तो दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, बारिशों का मौसम है और पोटियां लग गई हैं, सारा जलन पड़ी हुई है इसको। अगर मैं फोटो खींची थी मैंने इसको पापा को भेजी, तो आप भी देख सको, आप बोलते क्या हालत हो रही है इसकी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या, मैंने तो कुछ नहीं खिलाया इसको, ऐसा सारे लग ही खाता है ये, हाँ तो लग रहा है जैसे मिर्ची खाई हो इतने, है ना, मिर्ची जलन जलन पड़ गई है सारे। कितने दिन है बारिश, अभी कितने दिन बारिश बताई है रेगुलर में, अभी तो फुल बारिश ही है, अभी कल तो 80% बारिश है, 7-9 बजे और बिजली हो रही है सुबह 9 बजे, ये देखो। नक्शी लगा मत लेना इसको ना, जो चीज दिख जाए फिर उठा लेता है, मैंने ये ट्यूब लगाई इसको सारे, तो अब इसका फोन दिख गया, तो इसको रिलैक्स मिल जाए इससे ठीक हो जाए, इसकी जो रैशेज हो रहे हैं बहुत ज्यादा रेड हो गया बिल्कुल, फोटो में डाल नहीं सकती, अगर फोटो देखते ना आप बोलते क्या है जी क्या हो गया इसको। देख इधर, मैंने न्यू वाली रबड़ लगाई है। तेरा ब्रेसलेट कहाँ है? ब्रेसलेट मैंने खोल दिया, वो तो मेरे हाथ में फिट नहीं आ रहा, अंदर पड़ा है वो लैपटॉप पे, अंदर रख दूँ तो अभी। नक्शी आजा 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 आजा, कैसे करते हैं आजा आजा, कर दो नक्शी, बोलता भी आजा आजा आजा, बोल दो दादा नक्शी दादा आजा आजा, गुंग 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 आजा 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 आजा। दीदी ने कुकु कंबल ले ली,
दीदी ना कुकर ले ले कंबल। यार 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 चल ये ऐसे ही भागता है किनारों पे, डर डर लगा रहता है गिर ना जाए कहीं टिड्डी जैसी बनी। यहाँ खींच लो इसको, इसकी बक्की को बीच में कहाँ कर ली थी नेको। आजा 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 कर दो, आजा 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 कर दो, आजा दादा दादा कैसे करते हो, बाय बाय कर दो, बाय 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 भी करता है आजकल नक्की तो, राजा आजा भी बुलाता है ऐसे हाथ करके, बड़ा प्यारा, अभी कर नहीं रहा ये तो बड़ा ही प्यारा करता है ना गुगु। थक गया है रोजी, रोज ही इतना काम नहीं होता जितना इसको संभालने में, मैं थक जाती हूँ आजकल, काम नहीं होते इतने वैसे। मम्मा अपने आप का भी ध्यान नहीं रख पाते, टाइम नहीं है, जरा सा रिलैक्स करने का सोचो, जब कोई उठ के बैठ जाता है तो बस यही चला हुआ है आजकल, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो दौड़ पड़ा मुझसे बैठ गया, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर जाके शांति मिलेगी। बाकी देखते हैं, कुछ बोल रहा है अब एक दो बंदों को कोई संभालने को मिल जाए दो तीन घंटे के लिए तो मेरे काम हो जाए, फिर तो मुझे क्या ही है, फिर तो संभाल सकती हूँ। और सब अपनी वेकेशंस पे जा रहे हैं, सब चले गए हैं वेकेशंस पे, तो कोई भी नहीं होगा अब, मेरे को एक महीना ऐसे ही निकालना पड़ेगा जैसे कैसे, जुकू है चलो पर एक महीना इतना कुछ होता रहेगा जैसे भी है, जैसे काम होगा नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही चला है, काम खत्म नहीं हो रहे मेरे पूरा पूरा दिन जाता है मुझे पता नहीं क्यों, बोलते बोलते जब से मेरे को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हुई ना, जब से मेरे को ऐसा होता है जब मैं बोलती हूँ ना मेरे को सांस चढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो और तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बाय।